शहडोल जिले के ACCL सुहागपुर क्षेत्र अंतर्गत शारदा ओसीएम माइंस जिसने गरीब मजदूरों की जमीन छीनकर उन गरीबों को किया है गली गली के लिए मोहताज। जी हां, हम बात कर रहे हैं शारदा ओसीएम माइंस की, जो कि सुहागपुर क्षेत्र अंतर्गत है। और प्रार्थी राजकुमार कौल निवासी बकहो ने मीडिया को बताया कि कंपनी के साथ उनका समझौता हुआ था कि हम आपको जमीन का किराया देंगे और साथ ही किराया न देने की स्थिति में जमीन को पुनः पूर्व स्थिति पर बनाकर खेती करने लायक बनाकर आपको वापस कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। प्रार्थी रामकुमार कौल ने अपनी जमीन SECL शारदा माइंस को दी थी, जिसका खसरा नंबर 910/5 1096/6 रकबा नंबर 0.076 SECL सुहागपुर शारदा OCM द्वारा 2008 में किराए के बतौर कोयला खनन के लिए अधिग्रहण किया गया था, जिसमें प्रार्थी को 5 वर्ष का किराया दिया था। तब से लेकर अब तक SECL ने जमीन मालिक को कोई भुगतान नहीं किया है, जिसमें कई ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर शारदा OCM गेट के सामने किए गेट जाम पर धरना प्रदर्शन किया और मांगों को लेकर प्रबंधक से लगाई गुहार, लेकिन नहीं हो रही है कोई सुनवाई। और साथ ही में उन गरीबों की समस्या, राजकुमार कौल ने अपनी समस्या को लेकर कई जगह आवेदन भी दिया, जैसे जिला कलेक्टर, शहडोल अनुभागीय अधिकारी और कालवी प्रबंधन साथ ही में तहसीलदार, लेकिन अभी तक कोई भी इस गरीब की सुनवाई नहीं कर रहा है। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकुमार कौल, ग्राम बकहो। अच्छा, ये आज आप लोग यहाँ अनशन पे क्यों बैठे हुए हैं, क्या समस्या हो रही है? समस्या हमारा ये है कि हमारी जमीन किराए नामे पे लिया गया था 2008 में। अच्छा। और अभी तक जो है उसको 2013 के बाद ना हमको किराया दिया जा रहा है, न तो हमारा जमीन वापस दिया जा रहा है। हमको जो है यहाँ पर आने पर ये बोला जा रहा है अधिकारी के द्वारा कि तुमको जो मिलना था मिल गया, कुछ भी नहीं मिलना है, इसलिए हमारे ऑफिस में बार बार मत आओ। जब से आपकी जमीन ली गई थी तब से आपको उसका भुगतान किया जा रहा था? नहीं, 2013 तक के किया था, एक ही बार किया गया। अच्छा, इसके बाद 13 सीधा हमको दिया नहीं गया। तो इसमें आप लोगों की कोई नौकरी वगैरह की भी मांग है क्या? नौकरी भी हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पर वंचित कर दिया गया, नौकरी नहीं दिया गया। अच्छा, वो भी हम लोगों को चाहिए। तो अभी आपने यहाँ के प्रबंधक से बात की? यहाँ के प्रबंधक से हमने जाकर के बात की, वो बात करने को उनका सही बात ही नहीं करते वो लोग। कौन है यहाँ के? यहाँ पे जो है मैनेजर साहब हैं। मैनेजर कौन है? मैनेजर वो है, क्या नाम है वो, अच्छा नाम है उनका, एक नए मैनेजर आए हुए यहाँ पर। अच्छा, तो आपकी समस्याओं को नहीं सुन रहे? वो हमारे समस्याओं को नहीं, उल्टा हमको ही धमकाया जा रहा है। आपने अभी कहीं आवेदन दिया है इसका? हम किसके आवेदन? कलेक्टर साहब को दिए, SDM साहब को दिए। अच्छा। तहसीलदार साहब को दिए हैं। और क्या अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की? कोई उनकृत पहल नहीं किया गया है। अच्छा, अमलई थाना को भी दिया गया 2-2 बार। अच्छा, चलिए ठीक। क्या नाम बताया अपना? राम कुमार। कहाँ से? बकहो। क्या न्यूज़ के लिए शहडोल से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।